हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम पांडास को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन में। पांडास ओपन सोर्स पाइथन पैकेज है जो डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग टास्क में इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है इसका। अब इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं पाइथन में वो देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट पे, यहाँ सर्च करेंगे CMD, एंटर करेंगे इसको। यहाँ पर डालेंगे PIP इंस्टॉल पांडास, एंटर करेंगे। देखो, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है किसी किसी को, pip is नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है एक अलग से, लेकिन मैं इसमें भी बता देता हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे जहाँ हमारा पाइथन इंस्टॉल हुआ है, लोकल डिस्क सी। मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा अपना पाइथन, ये पाइथन 27। इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट्स पे जाएंगे, स्क्रिप्ट्स को ओपन करेंगे, यहाँ से इसका लिंक कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी। इसको हमने कॉपी कर लिया। अब जाएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे, माय कंप्यूटर पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़, एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर ये पाथ है, अगर किसी में पाथ ना आ रहा हो तो यहाँ से न्यू क्रिएट करके यहाँ पर पाथ लिखें, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ पर कॉपी करा था, पेस्ट करके ओके कर देंगे। लेकिन मेरा पाथ आ रहा है तो मैं इसी में एडिट करूँगा इसको, एडिट, लास्ट में सेमी कॉलन डालेंगे पहले, फिर पेस्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, ओके, और फिर से ओके। इसको रिफ्रेश करेंगे। अब दोबारा जाएंगे स्टार्ट पे, CMD डालेंगे, दोबारा लिखेंगे pip install pandas, pip install pandas। देखो, अब इसने एरर नहीं दिया, यानी कि हमारा वो एरर चला गया। अब ये पांडास को इंस्टॉल करने लगेगा अपने आप, थोड़ा टाइम देना इसे। ये इंस्टॉलिंग हो रही है पांडास की। इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली, इंस्टॉल numpy pandas और pits। जब ये आ जाए आपके में तो समझ लो इंस्टॉल हो गया। इसको काटेंगे। अब एक बार इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट पांडास। देखो, इसने कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब हमारा पांडास इंस्टॉल हो गया पूरा, कोई एरर नहीं आया हमारा, इसलिए हमें हमारा पांडास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया।